पूर्णिया के बनवनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा पंचायत में विगत दिनों जदयू पंचायत अध्यक्ष के निर्मम हत्या की गुत्थी अभी तक पूर्णिया पुलिस सुलझा नहीं पाई है। इस मामले को लेकर मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिससे ग्रामीणों में बनवनकी थाना पुलिस के प्रति काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ज्ञात हो कि मृतक जदयू नेता सुशील कुमार सिन्हा को बीते 23 अगस्त को उसके पड़ोसी पूर्व मुखिया धीरेन्द्र मंडल ने अपने ही घर में पीट पीट कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद परिजनों ने इस मामले में दबंग पूर्व मुखिया धीरेन्द्र मंडल, बेबी देवी सहित कुल 17 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार ने इस मामले को लेकर पूर्णिया क्षेत्र के आईजी एवं पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दिया है। मृतक जदयू नेता के पुत्र रिंकू कुमार ने बताया है कि आरोपी मुखिया काफी दिनों से उसके परिवार को परेशान कर रहा था। कई बार इसको लेकर बनवनकी पुलिस को आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की। ताकि जानकारी थानाध्यक्ष महोदय और डीएसपी महोदय दिए हैं कि 2 गिरफ्तारी हुई है, और वो गिरफ्तारी भी हम समझ रहे हैं पूरा मैनेज्ड था, और गिरफ्तारी नहीं, वो सरेंडर था एक तरह से। मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र मंडल, जो मेरे मामा का हत्यारा भी है, बेबी देवी जो मेरे मामा का हत्यारा है, और सभी जितने भी हैं जो भागे हुए हैं, फरार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नज़र में वो अभी भी फरार दिख रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी तक कोई धरपकड़ नहीं हो रहा है। थानाध्यक्ष भी कुछ नहीं कर रहे हैं इस पर, सिर्फ बोल रहे हैं कि एक्शन ले रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। डीएसपी महोदय वही बोल रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही है किसी के भी। तो पहले एक संदेह था, अब सवाल हो रहा है उनके कार्यशैली पर। पूर्व का भी बहुत सारा केस है, जिसमें कि अरविंद सिंह खुद बरी किए हैं, वारंटी भी है, और गिरफ्तारी उसका नहीं किए हैं। राकेश मंडल एक है, इसी गाँव का है, हत्यारा भी है, एक मामले में वारंटी भी है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि तुम लोग क्या करोगे? लगातार तुम लोग अभी पुलिस प्रशासन के संपर्क में हो, फिर भी नहीं, कुछ आगे नहीं बढ़ा, आगे क्या करोगे? हम लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर भी चला रहे हैं, जस्टिस फॉर सुशील सिन्हा, उसके भी आवाज़ पहुँच रहा है, आप लोग का भी सहारा मिल रहा है। और बात अगर नहीं बनी तो हम लोग आगे धरना पर भी बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक मामले की सुनवाई नहीं होगी। हत्यारा जेल में नहीं होगा और मेरे मामा को इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि 3 साल से झगड़ा हो रहा है। जब मैं थाना में 3-4 बार केस किया, वही डीएसपी, वही बड़ा बाबू, थाना का प्रशासन, सब कोई बदली नहीं हुआ है। और जब बार बार केस करते थे तो उसका नाम छांट देता है, बार बार यही लीला है। 3-4 बार केस कर चुके हैं। एक बार मेरा घर ढुक कर हमला किया, मेरे पास जवान लड़की भी है, बहुत हमला किया, हम लोग जान बचा के भागे। 3-4 बार आके धमकी दिया कि तुम लोग को जो है मर्डर कर देंगे, फिर भी हम लोग थाना गए, प्रशासन का सहारा लेना चाहे, लेकिन प्रशासन जो है वही प्रशासन है, वही DSP भी है। अभी तक देखते देखते आज इस तरह का घटना देखना पड़ा, एक्शन नहीं लेने के वजूद में। हम लोग जो है अन्याय का बदला अन्याय खोज रहे हैं। हम लोग पब्लिक क्या करेंगे, उसके पास मर नहीं जाएंगे। हम लोग किसी को तलाक देता है कि काट देंगे, उसको तलाक देता है गोली मार देंगे, तो कैसे हम लोग रहेंगे बताइए? अन्याय नहीं मिल रहा है, अन्याय हम लोग को नहीं मिल रहा। 4 मर्डर हो गया इस बस्ती में, मगर न्याय मिल नहीं रहा, और कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए।